नमस्ते, मैं कोड़ेकर श्री गणेश इंजीनियरिंग सर्विसेज कराड़ से बात कर रहा हूँ। ये 2 HP सिंगल फेस 3 रोलर का नया मॉडल है। इसमें ग्रीस से जूस में होने वाला कंटैमिनेशन रोका गया है। इसके बैरिंग्स हैं वो पूरे डबल ऑयल सील से बंद किए हुए हैं। ये मॉडल 3 रोलर में आता है। इसका सपोर्टिंग प्लेट्स, टॉप प्लेट्स, रोलर, साइड वाला कवर, ये फीडिंग ट्रे, डिस्चार्ज बॉक्स ट्रे सब 304 में आता है। 304 फूड ग्रेड मटेरियल है। इसको सिंगल फेस का क्रॉम्पटन का 2 HP का मोटर लगाया है। हेवी ड्यूटी गियर बॉक्स, 1 इंच चेन के साथ ये रोलर हम मूव करते हैं। रोलर का डायामीटर 150 mm और लंबाई 215 mm यानी कि 8.5 इंच है। इस मशीन को हार्डन गियर यूज़ किए हैं। इसमें बुश बेरिंग ऑयल सील के साथ यूज़ किए हैं। इसके 2 फायदे हैं। एक, बेरिंग का लाइफ बढ़ जाता है, कम से कम 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ये बेरिंग यूज़ में आ सकते हैं। दूसरा, इसका गियर्स जो है वो हार्डन रहने के कारण कोई परेशानी नहीं रहती है और उसका यूज़ आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों मोड में आप यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको सेमी ऑटोमेटिक मोड में बनाया है या सेट किया है। ये मशीन आप एक जगह से दूसरी जगह हिला भी सकते हैं। इसका वेट है 480 kg यानी कि 500 kg के करीब। ये हेवी ड्यूटी है इसलिए रोलर का साइज़ और वेट ज़्यादा रहता है और इसके कारण क्रशिंग भी सही मिल जाता है। हम आपको आपके जानकारी के लिए इसका वीडियो दिखा रहे हैं। ये अभी हम इसमें 4 गन्ने क्रश करते हैं। ये दोबारा डालने से इसको सही झाग या फोम आ गया है और आप देख सकते हैं जूस कैसे आपको मिल रहा है। इसका क्रशिंग भी अभी 100% हो गया है और इसका क्रशिंग कैपेसिटी इस मशीन का है 200 kg से 225 kg पर आवर।
थैंक यू।